कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली का जायजा, वजीर अला उस्मान बुज़ार ने पंजाब काबीना कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आज होने वाले वीडियो लिंक इजलास में इलाज मुआवजे की सहूलतों, डॉक्टरों, पैरामेडिक्स के लिए हिफाजती लिबास की फराहमी समेत दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। हाई कोर्ट में लड़की के बाजियाबी केस की समाअत, CCPO जुल्फिकार हमीद की ताखीर से पेशी पर अदालत का इजहार नाराजगी, वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया, CCPO ने गैर मशरूत माफी मांग ली। खातून की बाजियाबी के लिए 28 अप्रैल तक मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर। और ठंडी हवाएं और काली घटाएं, मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, कोटलकपथ, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, लिबर्टी मार्केट और गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में सड़कें जलथल, मौसम खुशगवार हो गया। कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली का जायजा, वजीर अला उस्मान बुज़ार ने पंजाब काबीना कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आज होने वाले वीडियो लिंक इजलास में इलाज मुआवजे की सहूलतों, डॉक्टरों, पैरामेडिक्स के लिए हिफाजती लिबास की फराहमी समेत दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। हाई कोर्ट में लड़की के बाजियाबी केस की समाअत, CCPO जुल्फिकार हमीद की ताखीर से पेशी पर अदालत का इजहार नाराजगी, वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया, CCPO ने गैर मशरूत माफी मांग ली। खातून की बाजियाबी के लिए 28 अप्रैल तक मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर। और ठंडी हवाएं और काली घटाएं, मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, कोटलकपथ, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, लिबर्टी मार्केट और गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में सड़कें जलथल, मौसम खुशगवार हो गया।